Hello guys, welcome back to my channel. Here in this video we'll learn how to install the TASM, that is TASM. TASM means Turbo Assembler, okay? And the second task is how to execute the code. Which code? Assembly language program wala code using TASM. आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कैरी कैलकुलेटर विद यू, क्योंकि हमें लास्ट पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? 216 बिट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब को हम कैलकुलेटर से ही चेक करेंगे कि आंसर सही आया है या नहीं. ओके, सो वी आर डन विद आवर कोडिंग वाला पार्ट. If you are directly watching this video, then I just suggest you to please check out the first video. क्योंकि फिर से ये पार्ट में सेम चीज रिपीट करके we will just waste our time. So our first motive is to download TASM software. तो उसके लिए मैंने description में एक link share की है, drive की link. Just उस पर click करो, file download करो और आगे की step पूरी की पूरी easy. You just have to click on run, run, install, install, install हो जाएगा. अगर फिर भी problem आए, just let me know in the comment box. एंड अनदर गुड पॉइंट इज कि मैंने आपको कोड की फाइल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. सिर्फ ना ही कोड की नहीं, आपको ना कोड का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ना ही कोई कमांड का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. मैंने कमांड की भी एक इमेज का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो. तो सबसे पहले जो भी कोड है वो हमें किधर टाइप करना होगा? इधर तो टाइप नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा यहाँ पे edit एंड देन विल हैव टू हिट एंटर. और जो भी कोड है वो यहाँ पे हमें लिखना होगा, जो भी ब्ला 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 ब्ला. एंड प्लीज आई विल सजेस्ट स्पेस की जगह टैप यूज करो, TAB टैप. ओके, सो गाइस दिस इज माय कोड, मैंने ऑलरेडी टाइप कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं, A to Z सेल है. ओके, हाँ तो ये हो गया. तो अब सबसे पहले टाइप करने के बाद हमें इसे सेव करना होगा. सेव करते टाइम, अब मैं सेव एज कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, सेव करते टाइम जो भी आप नेम दोगे फाइल का, नेम .asm, asm इज एक्सटेंशन, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका कोड रन नहीं होगा. देन हिट एंटर. ओके एंड देन एग्जिट. हमने कोड को सेव कर दिया है, एग्जिट मार दिया है. अब हमारा एम क्या है? देखने का कि उसमें कुछ एरर है या नहीं. उसके लिए हमें टाइप करना TASM/ZI (exp1.asm). सी, मुझे दिखा रहा है एरर मैसेज इज 0, वार्निंग मैसेज इज 0, पास सेस 1, रिमेनिंग मेमोरी 473K. अगर कोई एरर आपको दिखा रहा है तो उसे कैसे फेस करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ. हमारे लास्ट फाइल में एक भी एरर नहीं था, तो हम क्या करते हैं, पहले एरर जनरेट करते हैं एंड देन वी विल सी हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट एरर. ओके, तो edit फाइल नेम इज exp1.asm, फाइल आ गई है. नाउ वी विल जनरेट एन एरर. उसके लिए मैं क्या करूँ? ओके, मैं इधर करता हूँ, ये dx है तो मैं सिर्फ उसे x करता हूँ, उसे सेव करता हूँ एंड देन आई एग्जिट. अब मैं फिर से सेम कमांड डालूंगा उस एग्जीक्यूट करने के, डेट इज TASM/ZI (exp1.asm). नाउ व्हेन आई हिट एंटर यू कैन सी देयर इज एन एरर. किधर एरर है वो बता रहा है, देखो एरर exp1.asm 42, ये दिखा, हाँ मीन्स 42 लाइन पर है. तो उसके लिए मैं फिर से क्या करूँगा, एडिट करूँगा, सेम कमांड डालूंगा edit exp1.asm, एंटर एंड देन मैं 42 लाइन पर जाऊँगा, नीचे लाइन 42 एंड देन मैं इसे फिर से bx डाल दूंगा, bx. ओके एंड देन आई विल हिट सेव एंड देन आई विल एग्जिट एंड अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ एंड व्हेन आई हिट एंटर यू कैन सी एरर इज इक्वल्स टू 0. बहुत सिंपल है एरर से फाइट करना. तो जैसे ही हमें पता चला कि हमारे कोड में 0 एरर है, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा नेक्स्ट कमांड डालना, दैट इज tlink/v (exp1.obj). यहाँ पे asm नहीं है, यहाँ पे obj है. इसका मतलब क्या हुआ? tlink, tlink मीन्स टर्बो लिंक, /v. मैंने TASM को बोला कि लिंक ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल, विच फाइल? exp1, ये वाली फाइल. तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट फाइल रहेंगे उसे क्लब करेगा एंड व्हेन आई हिट एंटर यू कैन सी एक वार्निंग है मुझे, नो स्टैक. अब नो स्टैक क्या है मैं बताता हूँ. हाँ तो अब नो स्टैक, यू गाइस नो मैंने स्टैक ये वर्ड ऑलरेडी मेंशन किया था फर्स्ट वीडियो में. देयर आर 4 टाइप ऑफ सेगमेंट, विच वन? डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट. तो डेटा हमने यूज किया कोड में, कोड सेगमेंट यूज किया कोड में, एक्स्ट्रा सेगमेंट में इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक और यूज कर सकता हूँ, दैट इज डेटा और कोड और स्टैक. बट मैंने स्टैक नहीं यूज किया है, तो मुझे वो वार्निंग दे रहा है कि आपने कोई स्टैक सेगमेंट नहीं यूज किया है. वो उसने मुझे एरर नहीं दिया, वार्निंग दिया, वार्निंग चलता है. ओके,
अब जो कि हमें नो स्टैक वार्निंग आ गई है, हो गया है, मींस हमने टी लिंक यूज कर लिया है एंड नेक्स्ट फाइनल एग्जीक्यूशन कोड इज टी डी ई एक्स पी वन डॉट ई एक्स ई। यू नो गाइस मैंने क्या लिखा, टी डी, टी डी इज टर्बो डी बगर, बग मीन्स एरर, वो डी बग करेगा, ओके। एंड मैंने डॉट ई एक्स ई लिखा, डॉट ई एक्स ई फाइल कहाँ से आई, सी मैंने आपको बोला था मैंने ऊपर टी लिंक किया, जितने भी ऑब्जेक्ट फाइल है उन सबको लिंक किया, लिंक होने के बाद वो एक ई एक्स ई फाइल में कन्वर्ट हो गया। एंड व्हेन आई हिट एंटर सी आ गया है। मैंने फिर व्यू पर क्लिक किया, वेरिएबल सेट किया, वेरिएबल को इधर रखा, ओके, देन इसे एक्सटेंड किया, देन अगेन व्यू पर प्रेस करूंगा एंड रजिस्टर को मैंने इधर सेट किया, डन। नाउ यहाँ पे मेरे पास टू ऑप्शन है, F8 एंड F9। F8 करूंगा तो स्टेप वाइज आंसर आएगा, F9 करूंगा तो रन मोड में आएगा। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ कि कैसे एक एक वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, कैसे क्या क्या होगा। तो आप साइड में कैलकुलेटर भी निकाल के रखो और जो मैंने कोड प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में उसे भी ओपन करके रखो। नाउ व्हेन आई प्रेस F8 क्या होगा, AX में आर्बिट्री वैल्यू स्टोर होगी, डन। दिखा मैंने स्टार्टिंग में AX में आर्बिट्री वैल्यू स्टोर की थी, AX में आर्बिट्री वैल्यू आ गई। फिर मैं अगेन F8 प्रेस करूंगा तो फिर तो DS में 48AD जो AX में वैल्यू थी वो DS में स्टोर हो गई क्योंकि मैंने मूव किया था। देन फिर मैं अगेन F8 प्रेस किया तो AX में जो मैंने वैल्यू ऑफिशियली num1 स्टोर किया था वो आ गया, num1 was 1804, तो 1804 आ चुका है। देन अगेन मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ तो BX में num2 वैल्यू स्टोर हो गई है, दैट इज 0012, ओके। देन अगेन मैंने F8 प्रेस किया तो AX प्लस BX एडिशन हुई है जो कि AX में स्टोर हो चुकी है। यू कैन यूज कैलकुलेटर और चेक कर सकते हो। तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या की थी, AX की वैल्यू सम में डाली थी। तो जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा तो यू कैन सी जो AX की वैल्यू है वो सम में आ गई। मैंने पहले प्रेस किया था तो कोई कैरी नहीं आई थी तो 00H ही रहा, बट अब सम 1816H हो चुका है, सम हो चुका है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, तो फिर मैंने F8 प्रेस किया तो AX वापस से 1804 आ गया क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले स्टेप की थी, num1 को वापस AX में स्टोर किया था, ओके। देन मैंने फिर से F8 प्रेस किया तो AX माइनस BX जो था वो AX में स्टोर हुआ, दैट इज 17F2। नेक्स्ट फिर से F8 प्रेस किया तो बोरो जनरेट हुआ है 0, ठीक है, बोरो इज 0, कैरी भी 0, बोरो इज 0। अब डिफरेंस के लिए मैं फिर से F8 प्रेस किया एंड डिफरेंस आया 17F2H, डन। अब बचा है मल्टीप्लीकेशन, फिर मैंने F8 फिर से प्रेस किया तो अगेन AX में 1804 आ गया क्योंकि मैंने num1 की वैल्यू फिर से मूव की थी AX में। ये क्यों किया था, क्योंकि AX में सब्ट्रैक्शन की वैल्यू थी स्टोर, तो फिर मैंने फिर से AX में num1 की वैल्यू स्टोर की। फिर मैंने अगेन F8 प्रेस किया तो i=1 हुआ, फिर मैंने F8 फिर से प्रेस किया तो dx=0001 हुआ। याद है मैंने dx की इनिशियल वैल्यू 000h मेंशन की तो वो इंक्रीमेंट होके 1 हुआ है। अब मैंने फिर से F8 प्रेस किया तो si की वैल्यू 000a हुई है और वो मल्टीप्लाई होके ax में आया है, दैट इज ax=BO48। अब ये ax की वैल्यू स्टोर होगी प्रोडक्ट में, तो मैंने जैसी F8 प्रेस किया तो यू कैन सी प्रोडक्ट इज BO48H, प्रोडक्ट क्या हो गया B048। फिर मैंने क्या किया था, मूव SI, B प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की वैल्यू SI में आ गई। बट अगर मैंने फिर से F8 प्रेस किया तो SI+2 में आ जाएगी, मीन्स ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ये ऑफिशियल प्रोडक्ट है जो कि SI+2 में स्टोर हुई है। याद है मैंने किया था मूव SI+2, product, ओके। तो प्रोडक्ट हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं डिविजन की। डिविजन में सबसे पहले लाइन है मूव, हमने num1 AX में मूव किया था, तो मैंने जैसे F8 प्रेस किया तो AX फिर से 1802 हो चुका है। फिर से मैंने F8 प्रेस किया तो क्या हो चुका है, dx=0000। देन अगेन मैंने F8 प्रेस किया तो क्या हुआ, जो dx AX था दैट इज 32-bit नंबर, वो BX से डिवाइड हुआ है और वो AX में स्टोर हो गया है। तो अब मैं जैसे F8 प्रेस करूंगा तो वो क्वेश्चन में स्टोर होगा, तो क्वेश्चन हमारा हुआ 115H। फिर मैंने अगर F8 प्रेस किया तो वो रिमाइंडर में स्टोर होगा, रिमाइंडर हुआ 12H। आपके पास कैलकुलेटर है, आप चेक कर सकते हो गाइस। फिर क्या हुआ, AX में 4C00 वैल्यू स्टोर हुई, हमारी लास्ट कमांड वही है। सो फाइनली गाइस वी आर डन विद आवर एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। तो ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एकदम मैंने शॉर्ट में डिफाइन किया है क्या कैसे होता है, आपको हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। थैंक यू।